कोरियन ड्रामा वो नशा है भाई, एक बार चढ़ने के बाद कोई और ड्रामा देखने का मन ही नहीं करता। आज की लिस्ट देखने से पहले आप अपने सारे काम कर लेना, क्योंकि भाई एक बार इस लिस्ट की ड्रामा सीरीज को देखना स्टार्ट किए तो आपका कोई काम नहीं होगा। 10 बेहतरीन कोरियन ड्रामा जो अब हमारी इमोशंस बन चुकी है, जिसमें बोनस सीरीज भी होंगी। और खुशी की बात, चैनल को सब्सक्राइब कराइए इस लिस्ट की डाउनलोड लिंक के लिए हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। नंबर 7 की सीरीज भाई, वो कहते हैं ना रिश्ते की अहमियत उससे दूर जाने के बाद ही पता चलता है। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग कपल की स्टोरी है, जिनकी खट्टी मीठी लव स्टोरी आपको काफी पसंद आएंगी। 2014 की रोमांस ड्रामा के साथ इमरजेंसी कपल। जो 6 साल बाद फिर से एक बार एक ही हॉस्पिटल में इंटर्न के रूप में काम करते हैं। उसके बाद से भाई कैसे धीरे धीरे करके इनकी नफरत प्यार में बदलता है, जो यकीन मानो भाई देखने में एक अलग ही सुकून देगी। इनके बीच की बॉन्डिंग वो केमिस्ट्री कमाल की है। आप देखना तो स्टार्ट करिए, आप एक ही बार में पूरा देख डालेंगे। अगर आप रोमांस ड्रामा के डाई हार्ड फैन है तो इस सीरीज को जरूर देखना, आपको डिसअपॉइंट नहीं होने देगी। फ्री में हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 6 की सीरीज यार कुछ भी कहो, कोरिया की गर्ल्स ट्रांसफॉर्मेशन कमाल की होती है। वो अलग ही लेवल की एटीट्यूड, जो देखने में मजा बहुत आता है। 2015 की रोमांस ड्रामा के साथ ओह माय वीनस। स्टोरी भाई कैसी ही लड़की की है, जो 15 साल पहले अपने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी, अब वो स्ट्रेस की वजह से मोटी हो चुकी है, जिसके वजह से उसके 15 सालों की लव रिलेशन उनका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ जाता है। उसके बाद फैसला करती है अपनी वजन कम करेगी, जिसमें उनका मदद करते हमारे लीड हीरो पर्सनल ट्रेनर बनकर। कैसे धीरे धीरे कर इनकी वेट लॉस की जर्नी एक प्यार में बदल जाता है, वो देखने में आपको एक अलग ही मजा आएगा, जरूर देखिए। थोड़ी बहुत इनकी कॉमेडी सीरीज से इंटरेस्ट बनाए रखती है, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज भाई कॉन्सेप्ट गजब का, वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला कुछ यूनिक रिप्रेजेंट करती है। हम बात करें 2015 की मोस्ट पॉपुलर कोरियन ड्रामा सीरीज में से एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा के साथ, किल मी ही। भाई एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें हमारे लीड हीरो को 7 मल्टीपल डिसऑर्डर पर्सनालिटी है। ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे भाई, ऐसी ड्रामा को फील कर आप एक्सपीरियंस करो, आपको एक पल के लिए भी कहीं पे सीरीज डिसअपॉइंट नहीं करेगी। हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 5 की ड्रामा सीरीज की कॉन्सेप्ट भाई काफी फनी और अजीब सा है। आप सोचो आपके पास एक ऐसा सुपर पावर हो, आप किसी का भी बम को छूकर उसकी पूरी यादें देख सकते हैं, है ना थोड़ी अजीब सा कॉन्सेप्ट। नेटफ्लिक्स की तरफ से जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा के साथ बिहाइंड योर टच। स्टोरी भाई, हमारी लीड एक्ट्रेस के पास एक दिन एकदम से एक ऐसी सुपर पावर आ जाती है, जिससे किसी का भी बम को छूकर उसकी सारी यादें देख सकती है। कैसे एक पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर उस पावर से शहर के क्रिमिनल को पकड़ती है। परिंदों को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब सभी मुजरिमों का खात्मा होगा। अब बम को छूकर होगा मुजरिमों का खात्मा, पर नेटफ्लिक्स ने भाई इस कॉन्सेप्ट पे भी सीरीज बना डाली। पर कोई नहीं, आप सीरीज को देखिए, आपको मजा जरूर आएगा, इसके सिचुएशनल कॉमेडी आपको हंसाएगी। अब क्रिमिनल बम को छूकर पकड़े जाएंगे। नंबर 4 की सीरीज रोमांटिक लव स्टोरी हो, जिस पर भाई टाइम ट्रेवल वाली साईफाई कॉन्सेप्ट हो, और ऊपर से कोरिया की तरफ से हो, तो भाई देखने में मजा तो आएगा। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2023 की मिस्ट्री रोमांस ड्रामा फैंटेसी के साथ आ टाइम कॉल रिव्यू। स्टोरी टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर कोरिया की प्रेजेंटेशन है भाई तो आपको सिंपल वे में दिखलाएगी। स्टोरी हमारे लीड एक्ट्रेस पे फॉलो करती है, उनके बॉयफ्रेंड का डेथ हो जाने के बाद वो डिप्रेशन में है। ट्विस्ट की बात तो ये है कि एक दिन एकदम से कुछ ऐसा होता है, 2019 से टाइम ट्रेवल कर सीधा 1998 में अपने ही जैसे दिखने वाले किसी और की बॉडी में चली जाती है, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। उसके बाद शुरू होती है भाई वो लव वाला रोमांस, इसके ट्विस्ट एंड टर्न, जो भाई देखने में आपको मजा बहुत आने वाला है, जहां सीरीज भाई आपको कई जगह पे इमोशनल कर जाएगी। डेफिनेटली आप सीरीज को देखना स्टार्ट करिए, नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज भाई, अगर आप एक ऐसी कोरियन ड्रामा सीरीज देखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट बॉन्टी हंटिंग, स्पाई स्किल, टेक्नोलॉजी, बेहतरीन एक्शन, सस्पेंस मिस्ट्री के साथ थोड़ी सी रोमांस टाइप चीजें हो, कोरिया के अंदाज में हो, तो ये कोरियन ड्रामा सीरीज को जरूर देखना। 2014 की क्राइम एक्शन के साथ हीलर सीरीज की खास बात लगी भाई इसके स्टोरी टेलिंग, इसके प्रेजेंटेशन इस तरह से हमें दिखाते हैं कि सीरीज कहीं पे बोर नहीं करती, जरूर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 की सीरीज भाई खतरनाक, कितनी खतरनाक पूछो मत। रिवेंज ड्रामा फैंस के लिए ये सीरीज पूरी तरह से थ्रिल एक्सपीरियंस कराएगी, क्योंकि भाई जब कोरिया रिवेंज लेता है ना तो पूरी तरह से लेता है, जरा सा भी रहम नहीं दिखाया जाएगा। 2021 ऑफ द बेस्ट क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज में से द किंग ऑफ पिग्स।
आप स्कूल में बुरी तरह से सताए हुए हैं। आप पर स्कूल में रैगिंग किया जाता था, बेरहमी तरीके से पीटा जाता था, जिसके वजह से आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। 20 साल बाद आप ठान लेते हो कि एक एक से बदला लेंगे। उसके बाद शहर में शुरू होता है भाई बेरहमी और ब्रूटल तरीके से मर्डर का सिलसिला, जो देखने में भाई एकदम खतरनाक फील कराएगी। सीरीज कोरिया की तरफ से है तो हदे पार वाली प्रेजेंटेशन देखने को मिलेंगी। इसके मिस्ट्री आपके दिमाग घुमा कर रख देगी। एक ट्राई जरूर दीजिए। रिवेंज ड्रामा के फैन है तो हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 2 की सीरीज एक ऐसी मिस्टीरियस किताब जिसमें छिपे हैं भाई कई सारे मंत्र, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया रोमांस फैंटेसी ड्रामा के साथ डिस्टेंट विथ यू। स्टोरी फॉलो करती है हमारे हीरो जो कि श्रापित है। वहीं दूसरी ओर हमारे लीड एक्ट्रेस को 300 साल पुरानी एक मिस्टीरियस संदूक मिलती है, जिसमें छिपी है भाई एक मिस्टीरियस किताब, जिस पर लिखे हैं भाई कुछ मंत्र, जिससे हमारे हीरो उस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। कैसे, आखिर उस किताब में ऐसा है क्या, आखिर उस किताब के पीछे की मिस्ट्री क्या है, वो तो भाई आप सीरीज में देखो। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर भाई सीरीज में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिले। इन्हीं बीच में वो कोरिया के अपने अंदाज में वो लव वाला रोमांस, ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ सीरीज आपको बांधे रखेगी। नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, जरूर देखिए। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की सीरीज भाई कैरेक्टर से डीप लेवल पर कनेक्ट कराना कोरिया जैसा कोई और नहीं। किसी के सपने इतने दर्दनाक हो सकते आपने सोचा ना होगा। हम बात करें जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया क्राइम ड्रामा थ्रिलर के साथ मास्क गर्ल। एक ऐसे बदसूरत लड़की की कहानी जिसे सेलिब्रिटी बनने की सपने उसे क्या से क्या बना दिया। आपकी पूरी लाइफ की वाट लगी पड़ी है। आप मर्डरर बन गए, आपको जेल भेज दिया गया, वहाँ पे भी सुकून नहीं। तब आप सनकी और पागल बन जाते हो। लेकिन कुछ भी कहो यार, एंड तक आते आते इनकी कैरेक्टर आपको इमोशनल कर जाएगी। ऐसी ड्रामा सीरीज को कभी भी मिस नहीं करते। नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 1 की सीरीज भाई कोरिया हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। ऊपर से नेटफ्लिक्स की क्वालिटी ऐड कर दिया जाए तो भाई पूछो मत। हम बात करें जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया कोरिया की तरफ से हिस्ट्री एक्शन ड्रामा के साथ सॉन्ग ऑफ द बैंडिट्स। स्टोरी 1920s में कोरिया में जापान का कब्जा था, ऐसे ही डाकुओं के रूप में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की है, जहाँ एक डाकुओं की ग्रुप एक फीमेल रेलवे मैनेजर और एक कातिल हसीना पे फोकस्ड है, जो पैसे लेकर लोगों को मारती है। रेल कंस्ट्रक्शन का पैसा चुरा कर स्वतंत्रता सेनानी तक पहुँचाना है, जिसमें हमारे लीड हीरो और कातिल हसीना मदद करती है। ऐसी मास्टरपीस सीरीज में अगर भाई बैड एस फीमेल एक्शन ना हो तो सीरीज देखने में मजा नहीं। ऐसी कोरियन सीरीज कम ही देखने को मिलती है। आप बेहिचक देखना स्टार्ट करिए। इसके आपस में डाकू और जापानी सोल्जर के बीच की एक्शन सीन आपका दिल जीत लेगी। ऊपर से इसके बैकग्राउंड म्यूजिक भाई आपको पूरी तरह से थ्रिल देगी। नेटफ्लिक्स की टॉप क्लास लेवल हिंदी डबिंग आपको सीरीज से हिलने ना देगी, जरूर देखिए। तो भाई ऐसी क्वालिटी के लिए एक सब्सक्राइब आपके तरफ से। आप लोग हर वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो यार। और खुशी की बात, डाउनलोड लिंक के लिए आइए हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।